हेलो, तो हम एलएम क्लास की तरफ से लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सिंपलीफिकेशन के कुछ सवाल, जो सवाल आपको एसएससी एनटीवीसी और एसएससी जीडी वगैरह में बहुत देखने को मिलेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई सवाल मिलता है तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाले नंबर है या फिर जो बड़े नंबर, उनका गुणनखंड करना है सबसे पहले। तो इसको देखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 5 × 7, इसको लिख सकते हैं 7 × 9, इसको लिख सकते हैं 9 × 11, और इसको लिख सकते हैं 11 × 13। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ देखी है कि इनको गुणनखंड कर दिए हैं अपने, जो हमारे अपॉन में है या फिर बटे में है या फिर हर में है, जैसे हम कह सकते हैं। और जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, गुणनखंड आए हैं, इसमें हमें दो का अंतर डिफरेंस मिलता है। तो इसके करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। देखिए इसके सॉल्यूशन दो तरीके से कैसे करेंगे। ऊपर जितनी बार एक एक है उसको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर कर लेंगे 5। यहाँ पर सबसे छोटा जो गुणनखंड है, सबसे छोटा फैक्टर, उसको लिखेंगे 3। सबसे बड़ा गुणनखंड है उसको करेंगे गुणा में, और इसको कर लेंगे तो 5/, ये आ जाएगा 39। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा है, मतलब कि 1/3 फैक्टर है, सबसे बड़ा है -1/13, अपॉन में इन दोनों के बीच में, फैक्टरों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो 11 और 13 के बीच में अंतर है 2 का, सब में 2-2 का अंतर है, तो इसलिए अपॉन में करेंगे 2। तो यहाँ पर 2 कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 39, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 13 − 3/2, तो ये आपका आगे हो जाएगा 11/39 × 1/2, ये हो जाएगा आपका 10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/39, ये आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपको करने के। तो आइए देखिए और करते हैं हम। इसको फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा, ये 3 × 5 हो जाएगा, ये 5 × 7 हो जाएगा, ये 7 × 9 हो जाएगा, ये 9 × 11 हो जाएगा। तो ये हम दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीके में क्या होता है, सबसे छोटा फैक्टर 1/1 माइनस सबसे बड़ा फैक्टर 1/11, अपॉन में इनका डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है तो 2 का डिफरेंस, ऊपर हो जाएगा 11, और जब इसका करेंगे सॉल्व तो 11 − 1/2, तो ये हो जाएगा 10/11 × 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/11 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे, इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें कैसे करना है हमें, ये देखिए 1/1 सबसे छोटा है, 1/100 सबसे बड़ा है, अपॉन में इनका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस चल रहा है, देखिए 1 और 2 में 2, 3 में 1 का, इसमें सब में 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये हो जाएगा। तो इसको करेंगे 100 − 1, 1, और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 100/1, तो ये हो जाएगा 99/100, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले क्वेश्चन का। ये वाले छोटे वाले जो अगला क्वेश्चन है हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर इसमें हम देखे हैं कि सबसे पहले क्या है, 1/2 है, तो इसका सबसे छोटा फैक्टर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 × 2, तो सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा 1/1, माइनस सबसे बड़ा फैक्टर देखिए यहाँ पर है 11 × 10, ये है आपका 11 × 12, सबसे बड़ा फैक्टर हो गया 12, तो 1/12, अपॉन में इसमें डिफरेंस कितना है, इनमें भी डिफरेंस 1 का है, तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर 12 का, इसको करेंगे 12 − 1/1, तो ये हो जाएगा 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये है, ये वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, जिसका लास्ट टर्म 1/(n)(n+1) दिया होता है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, कैसे है देखिए, 1 × 2 है वो, तो 1 × 2 है, सबसे छोटा वाला फैक्टर क्या है इसका 1/1, सबसे बड़ा वाला फैक्टर क्या है 1/(n+1) जो लास्ट है, −1/(n+1), इसमें डिफरेंस कितना है, देखिए 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 1, तो इसको करेंगे तो n+1 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर n+1 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया n/(n+1)। ऐसे ही और हम देखते हैं लास्ट सवाल जो है हमारा, इसमें सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें कहा है 20 पदों का योग बताइए। तो 20 पदों का योग निकालने के लिए देखिए हमारे फैक्टर्स पहले से हैं, तो हम कौन सा वाला तरीका करेंगे, जो हमने ये पहला वाला तरीका किया था, वो कह रहा है 20 पद के, तो ऐसे एक एक करके कितने पद हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 20। सबसे छोटा कितना है इसका फैक्टर, 5 है, और कह रहा है 20 पद, तो लास्ट कहाँ पहुंच जाएगा, 5 में लास्ट में जोड़ेंगे तो 5 + 20 हो जाएगा आपका 25, तो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाएगा आपका 25, क्योंकि 20 वां पद निकालना है, तो 20 जोड़ दिए 5 में, तो ये 25 हो गया, तो इंटू
यहाँ पर आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4/25। ऐसे करके ये इस वाले पद का आंसर आ गया है। ऐसे ही और ट्रिक देखने के लिए आपको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करें और अपनी राय दें। थैंक यू।